टू स्पून हम लोगों ने राइस लिए, टू स्पून ही मैंने ये जो है ना मेथे और कलौंजी मिक्स करके थोड़े से पीस के रखे हुए हैं, टू स्पून ये जाएंगे, सॉरी 3 स्पून जाएंगे, ठीक है, दैट्स इट। ये हमने ओवरनाइट के लिए इसको सोक करके रखना है। ये ख्याल रहे आपने जो है ना इसको अच्छे से ना राइस को क्लीन कर लेना, ठीक है, राइस को अच्छे से क्लीन कर लें, देन इसमें पानी डाल के रख दें, इसको ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया हमने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, वेलकम टू मिनमोज़ व्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, एक दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ अपना टोनर एक शेयर किया था जो कि ओवरनाइट के लिए सोक करके रखना था। सो अब जो है ना टाइम आया उसके पकाने का, और ये देखें ये वही टोनर है जो हम लोगों ने सोक करके रखा था, राइस, कलौंजी और मेथी। अब हम लोगों ने ये पकाना है, इसको अच्छे से पकाना है, ठीक है, इसी के पानी से जिससे हमने सोक किया था ना। ये देखें बड़े अच्छे से जो है ना, ये देखें बहुत अच्छे से, नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये चेक करें, बहुत अच्छे से ये सोक हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छे से हम इसे पकाएंगे, ठीक है, और फिर देन मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ इसको हम स्पून से, ठीक है। इसको अच्छे से पकाने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसका अच्छे से, जैसे कावा नहीं निकालते हम लोग पत्ती का या कॉफ़ी का, इस तरह से हमने इसको अच्छे से पकाना है और इसका जो है ना टोनर हमने रेडी करना है, ठीक है। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ ऑयल शेयर किया था, अनियन ऑयल, जो कि हेयर फॉल के लिए बेस्ट है, अगर आप लोगों को हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल के लिए बेस्ट है, वो यूज़ करें, साथ में अपने ये टोनर यूज़ करें। और ये टोनर यूज़ कैसे करना है ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, और ये दोनों चीज़ें यूज़ करें। और साथ में मैं अपना कल शैम्पू भी आप लोगों के साथ होममेड जो है ना शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें आपने तीनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ करनी है, होममेड शैम्पू, देन आप लोगों ने साथ में अनियन ऑयल और ये टोनर, फिर आप देखिएगा अपना हेयर फॉल भी कितनी जल्दी ख़त्म होगा और रीग्रोथ भी बालों की होगी, और बालों में अलग से आपको शाइन नज़र आएगा। और ये आपने लगातार 3 मंथ यूज़ करना है, ये जब तक आप लोगों के हेयर फॉल है तब तक यूज़ कर लें, आप लोगों पे डिपेंड करता है। ये आपने अच्छे से जो है ना इसको रेगुलरली जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन आपने यूज़ करना है, और फिर आप लोग इसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से, और कोशिश ये करनी है, ये भी आपने हल्की धीमी आँच पर पकाना है ताकि जो है ना अच्छे से पक जाए, इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी के अंदर आ जाए, और हम लोगों के लिए जो है ना एक बहुत बेस्ट टोनर तैयार हो जाएगा, ठीक है, अपने धीमी आंच पे पकाने के लिए। ये देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर निकल रहा है, ये ना येलो येलो सा कलर, ऑरेंज येलो कलर होगा, ये चेक करें, ये जैसे ही झाग ख़त्म हो जाएगी ना हम इसको निकाल लेंगे। इतना ही पकाना है, ज़्यादा भी नहीं पकाना, कम भी नहीं पकाना, ये झाग हमें जैसे ही ख़त्म होगी ये देखें ये कलर आ रहा है, और यही कलर हमें चाहिए, ठीक है, ये देखें ये कलर आ रहा है और यही कलर हमें चाहिए, और ये जैसे ही पक जाएगा ना देन हम इसको छान लेंगे, ठीक है, ये अच्छे से पक जाएगा, धीमी आंच पे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, आपको पता है जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है, तो कोशिश ये करें कोई भी अगर ऑयल बना रहे हैं या किसी किस्म का टोनर बना रहे हैं या शैम्पू बना रहे हैं, कोई भी काम है ना, आप जितना आराम से और अच्छे से करेंगे ना, ये भी नहीं मैं कह रही कि 3-3, 4-4 घंटे एक ही चीज़ पर आप जो है ना अपना टाइम वेस्ट कर लें, ऐसा नहीं है, पर कोई भी चीज़ है ना अगर आप अच्छे तरीके से पकाएंगे ना धीमी आंच पे, वो उतनी ज़्यादा जो है ना आपको बेनिफिट देगी। और ज़्यादा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा भी नहीं पकाई जाती, मगर कोशिश ये करनी है तेज़ आंच पे हमने काम नहीं करना, हमने लाइट हल्की धीमी आंच पे काम करना है ताकि हम लोगों को उसका स्पेसिफिक रिज़ल्ट मिल जाए, ठीक है।
अब ये जैसे ही पकता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर। अच्छा जी, ये टोनर पक के रेडी हो गया है और ये थोड़ा सा स्टिकी सा होगा क्योंकि इसमें मेथे भी हैं और जो है राइस भी हैं, तो वो उसकी वजह से ना थोड़ा सा ये स्टिकी स्टिकी फील होगा। बट इट्स ओके, यही हम लोगों को टोनर चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इसको अच्छे से जो है ना बॉईल कर लिया था और देन अब इसको हम जो है ना स्ट्रेनर की हेल्प से जो है ना अच्छे से छान लेंगे और देन इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा कोल्ड करेंगे ताकि ये जो है ना हम स्प्रे बॉटल में बाद में डाल कर अच्छे से यूज़ कर लें। और आगे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये आपने किस तरह से यूज़ करना है, आप जो है ना वीडियो में बने रहिएगा। इसको इस कंटेनर में डाल देंगे, ये मेरे पास खाली बोल था, इसको मैंने स्ट्रेनर की हेल्प से छान लिया और इसको इसमें डाल दिया। अब आप कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेयर बोतल है स्प्रे वाली तो आप इसमें डाल दें। ये मेरे पास ये छोटी सी वीगन मैक्स की पड़ी हुई है तो मैं इसमें डाल दूँ, ऐसे इसमें नहीं डलेगा तो मैं इसके हेल्प से डालूँगी। देखिए इसमें डाल दूंगी, छोटी सी बोतल में, इससे ये होगा स्प्रे करना इजी होगा। ठीक है, इस तरह से आपने अब ये लगाना कैसे है मैं आपको वो भी बता दूं। आपने ऐसा करना है, आपने जब शावर लेना है, आपके जब बाल गीले होंगे ना शैम्पू करने के बाद, जो मैं हर्बल शैम्पू बनाऊंगी उसके बाद आपने शावर जब लेना है तो आपके बाल गीले होंगे, आपने उसमें ये जो है ना आपने स्कैल्प में इसका जो है ना इसका स्प्रे करना है। ठीक है, सिर्फ स्कैल्प में, नीचे वाले बालों में नहीं करना, सिर्फ स्कैल्प में करना है। और उसकी जो है ना जब स्कैल्प में आप करेंगे ना तो फिर आप अपने बालों की रीग्रोथ देखिएगा कितनी जल्दी होगी और आपका हेयर फॉल भी इससे रुक जाएगा। या आप 3 मंथ में लाजमी, जब भी आप शावर लें आपने लाजमी लगाना है, इससे ना तो बाल कोई ऑयली होंगे बल्कि शाइन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप ये करके देखें फिर आप इसका रिजल्ट खुद देखिएगा। और इसको आपने अच्छे से स्कैल्प में लगा के लाइट सा बिल्कुल टिप्स के साथ आपने मसाज लेना है बालों का, देन इसको छोड़ देना। जब ये सूख जाएंगे ना आपको किसी किस्म का सीरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये टोनर बनके रेडी हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको बनाकर यूज़ करेंगे और जब आप यूज़ करेंगे आपको रिज़ल्ट इसके मिलेंगे तो लाजमी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका रिज़ल्ट मिलता है, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।